सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद बेल आइकन को भी दबाएं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मिस्टीरियस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित आपके लिए लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ टॉप 5 ऑसम एडिक्टिव गेम्स के बारे में। तो ये दोस्तों गेम्स मेरी खुद की पर्सनल बनाई हुई इसमें लिस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ गेम्स मिसप्लेस्ड कर दिए हैं या उनको लिस्ट में ऊपर रख लिया है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा पहले ही। तो अगर आपको लगता है कि कुछ गेम्स मुझे जो इंक्लूड करनी चाहिए इस लिस्ट में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनको ज़रूर से अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा आपके रिक्वेस्ट के नाम के साथ। तो चलिए दोस्तों, इन गेम्स को देखते हैं। तो इस गेम में सबसे पहले लिस्ट में मेरे पास आता है रन रोप एंड फ्लाई 4। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट नंबर पर रखा है। तो इस गेम को ओपन करते ही आप यहाँ पे ऐड देखेंगे, तो मैं कहूँगा अगर आपको ऐड दिखते हैं तो आप इसको क्रॉस कर दिए सिंपली, उसके बाद आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल इंटरफेस दिखता है आपको, प्ले बैक और ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई ढेर सारे लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसको प्ले करना थोड़ा इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन ये बहुत ईजी गेम है। तो आप जैसे ही किसी भी बिल्डिंग पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे उधर से रोप निकलती है, तो आपको उसी रोप के सहारे पूरा ये गेम क्लियर करना है। तो एक बहुत अच्छा गेम आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाता है। तो ये एक तरह मुझे स्पाइडरमैन की तरह लगता है, क्योंकि उसमें आप वेब शूट करते हैं लेकिन इसमें आपको रोप मिल जाती है। तो आपको इसी तरह बिल्डिंग में रोप निकालते हुए आपको उसमें टैप करना है। तो आपको वहाँ पर ऊपर बैलून्स भी दिख जाएंगे, आप उनमें भी कर सकते हैं, उनसे भी आप स्विंग कर सकते हैं। तो आपको बीच बीच में एड्स भी देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हम सेकेंड ऐप की तरफ, जिसका नाम है पॉलीफॉर्ज। तो ये ऐप आप अगर हेडफोन लगा के करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा साउंड सुनने को मिल जाएगा। तो पॉलीफॉर्ज एक सिंपली आपको पॉलीगन टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको इसको पूरा टैप करके इसका लेवल कंप्लीट करना है। फिलहाल मैं लेवल 11 तक आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने दो बार एक ही जगह पे टैप कर दिया तो ये मेरा लेवल ख़राब हो जाता है। आपको इसी तरीके से और भी चीज़ें आगे भी लेवल देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट लेवल में बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जब ये आगे बढ़ता जाता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और हार्ड भी होता जाता है। तो ये एक पॉलीगन आपको दिखेगा बनता हुआ, और बहुत बड़े बड़े पॉलीगन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन मिल जाता है, यहाँ पे आप सेटिंग में सेटिंग अपनी लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंडलेस मोड में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो एंडलेस मोड में आप जाके इसको सिंपली सेव कर दीजिए, उसके बाद आप एंडलेस पॉलीगन देखने को मिलेगा। इसमें पॉलीगन अगर आप एक बार दो दो बार टैप कर देंगे तो आपका पॉलीगन डिक्रीज होता जाएगा, और जितना आप सही से इसको बनाएंगे कि उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आप इसको हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आपको बैकग्राउंड में एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है, जो बहुत सुकून देता है और आपको स्ट्रेस फ्री भी रखता है। तो मैं कहना चाहूँगा आप इसको ज़रूर हेडफोन लगा के गेम खेलिए, और ये आपको स्ट्रेस फ्री भी रखेगा और ये आपको इंटरेस्टिंग भी गेम ज़रूर लगेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऐप की तरफ, जिसका नाम है पैकमैन। तो ये एक ओल्ड एज गेम है, आपने इसको बहुत बार खेला होगा, बहुत बार इसके बारे में नाम भी सुना होगा। तो अब ये उसी अवतार में आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई स्टाइल का चेंज आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने इसमें ओल्ड तरीके से ही बना के इसको रखा है। तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पैकमैन ज़रूर खेला होगा, अगर आपने नहीं खेला तो आपको ये ज़रूर खेलना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आपको स्टार्टिंग में इसमें इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये गेम
नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं टैप टू स्ट्रीम कंटिन्यू, आप यहाँ पे डेली गिफ्ट आपको मिलते हैं अगर आप खेलते हैं। तो उसके बाद आपको नीचे क्लासिक का वो मिल जाता है इमेज, तो इसी तरीके से आप इसको सिंपली प्ले बटन में क्लिक करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। आपको नीचे ये स्वाइप का बटन मिल जाता है, अगर आपको जिधर भी स्वाइप करना है आप उधर उसको स्वाइप करेंगे तो ये आपका जाएगा। आपको अगर लेफ़्ट करना है तो आप लेफ़्ट क्लिक करिए, अगर राइट करना है तो आप राइट में नीचे स्वाइप कर सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं अगर आपने गलती से टकरा गए किसी भी उस चीज से तो आपको मार देगा। जब तक आप ये गोश्त बने रहेंगे तब आप इनको खा सकते हैं, वरना ये आपको खा जाएंगे। या तो इस गेम में यही चीज़ इंटरेस्टिंग है, आपको ये पूरे जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं सबको आपको खाना है, यानी पैकमैन को खिलाना है। अगर आप ऐसे पूरा कर लेंगे तो आपका लेवल कंप्लीट हो जाएगा। आपको इन रेड और जो कलरफुल आपको भी दिखेंगे उनसे बच के रहना है। तो ये एक बहुत ही पुराना गेम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। जब आपका ये गोश्त बन जाएगा तो आप इनको खा सकते हैं और पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको भी पसंद ज़रूर आएगा। जैसे सारे ऐप्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ ऐप की तरफ, जिसका नाम है ग्रेविटी बॉल। तो इसको नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि ये ग्रेविटी बॉल आपको नोकिया के एक बाउंस टेल नामक गेम है उसकी तरह ये आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर आपके पास नोकिया के पुराने फ़ोन है तो उसमें आपको ये बाउंस टेल जरूर गेम खेला होगा, तो उसमें आपको एक ग्रेविटी बॉल दिखती होगी जो आगे लेवल में आती है। तो ये कुछ उसी तरीके की ग्रेविटी बॉल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग लेवल के साथ। स्टार्टिंग में जब आप इसको फर्स्ट लेवल से प्ले करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, लेकिन बात मानिए मेरी, जैसे जैसे आप इसको लेवल इंक्रीज करते जाएंगे ये बहुत टफ होता जाता है इसको प्ले करना। तो आपको सिंपली आपको दो कंट्रोल्स दिख जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंट्रोल मिलेगा आगे पीछे कंट्रोल करने के लिए, और राइट में आपको मिलेगा जंप करने के लिए या ग्रेविटी को चेंज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो कलरफुल यहाँ पे दिख जाती है आपको वहाँ तक लाइट तक लेके जाना है अपनी बॉल को बिना नीचे गिराए। तो आप टैप करेंगे तो ऊपर ग्रेविटी आ जाएगी, वरना ये ग्रेविटी बंद हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से 13 लेवल तक है आपको पूरे कंप्लीट करने हैं और आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये बहुत इजी लगते हैं, लेकिन बाद में बहुत टफ हो जाते हैं इनको कंप्लीट करना। तो आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट और फिफ्थ ऐप की तरफ, जिसका नाम है बिग हंटर। तो ये ऐप कुछ आपको एंशिएंट टाइम पे ले जाता है, जिस ज़माने में हंटिंग कर रहे थे हमारे पूर्वज लोग। तो ये उसी समय में आपको ले के जाता है और आपको एक्सपीरियंस देता है कि उस टाइम में कैसे लोग हंटिंग किया करते थे बड़े बड़े जानवरों की एक छोटे से भाले से। तो ये कुछ उसी तरीके का गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी ये टाइम लेता है, पता नहीं क्यों, पर छोटा सा गेम है तब भी ये स्टार्टिंग में थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं बिग हंटर ट्रिबल सर्वाइवल। तो आपको सिंपली टैप करना है प्ले के लिए और आपके हाथ में स्क्वायर एरो दिख जाता है। तो आप सबसे पहले ट्रेनिंग कैंप का देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोर्ड टाइप का देखने को मिल जाता है, और आपको ये आपको अगर एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे निशाना लगाने का भी दिख जाता है। आपको सिंपली इनको हंट करना है। तो ये अभी ट्रेनिंग कैंप है, इसलिए आप उसमें जितने ज़्यादा पॉइंट ले सकते हैं आपको उतने पॉइंट लेने हैं। नेक और हेड के सबसे ज़्यादा पॉइंट इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। आप जितना ज़्यादा नेक और हेड पे अपना टारगेट लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे, और आपको इनसे बच के भी रहना है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसको स्वाइप करेंगे नीचे की ओर तो ये पीछे चला जाएगा, और आपको सिंपली जो एरो है एरो को एक्सपेंड करना है और आपको टारगेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसने मुझे मार दिया और गेम ओवर हो गया। तो इसी तरीके से आपको आगे फिर मैमर मिल जाता है और दो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप मैमर को प्ले कर सकते हैं, इसमें आपको लेवल मिल जाते हैं डे वन के। तो डे वन में आपको दिख जाता है कि किस तरीके से आपको इसको हंट डाउन करना है मैमर को, और उसको
तो डे वन में आप देख सकते हैं आपको उसको मैमथ को हंट डाउन करना है। तो आपके पास 40 सेकंड है और अनलिमिटेड एरो आपको मिलेंगे, आपको ऊपर पावर दिख जाएगी, 50 पावर में इसको आपको गिराना है। अगर 50 में अगर ये हो गया तो आप जीत जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, हेड के सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे हेड शॉट होता है तो आप यहाँ पे जीत जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग गेम मुझे लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा, तो वहाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।